नमस्कार, मैं हूं अमृत रश्मि और आप देख रहे हैं वी नेशन। रुचि सोया के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े बैंक SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को 2,925 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। आचार्य बालकृष्ण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने क्लेम किया है कि इस लोन के भुगतान के साथ रुचि सोया कर्ज मुक्त हो गई है। आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर कहा, आज रुचि सोया हुई ऋण मुक्त। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा और MD अश्विनी भाटिया जी को हमने 2,925 करोड़ रुपए का चेक हैंडओवर किया। ऋण का समय से पूर्व और विनम्रता पूर्वक भुगतान एक सन्यासी द्वारा ही संभव है। कंपनी ने हाल ही में अपने 43 करोड़ रुपए का फॉलो अप पब्लिक ऑफर पूरा किया है। कंपनी के FPO की लिस्टिंग शुक्रवार को हुई। यह लिस्टिंग काफी हिट रही, इससे कंपनी के शेयरों में भी काफी अधिक उछाल देखने को मिला। BSE पर कंपनी का शेयर 3.8% की बढ़त के साथ 818.85 रुपए के स्तर पर खुला। BSE पर कंपनी का शेयर शुक्रवार को 12.94% चढ़। आपको बता दें कि कंपनी का स्टॉक पिछले दो सत्र में करीब 22.94% चढ़ चुका है। अंत में आपको बताते चले कि योग गुरु बाबा रामदेव ने पिछले सप्ताह कहा था कि पतंजलि ग्रुप की ओनरशिप वाली रुचि सोया अगले महीने कर्ज मुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि कंपनी अप्रैल में अपना पूरा कर्ज चुका देगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे वी नेशन के साथ। धन्यवाद।